फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इनसाइड और आउटसाइड क्या है, यानी इनसाइड मींस में या अंदर और इन मींस में या अंदर। तो फिर कैसे समझे कि कब हमको अंदर के लिए इनसाइड बोलना है या इन बोलना है। उसी तरीके से आउटसाइड मींस बाहर और आउट ऑफ मींस बाहर। तो कैसे समझे कि बाहर के लिए कब हमको आउट ऑफ बोलना है या फिर हमको आउटसाइड बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इनसाइड और आउटसाइड के बारे में सीखें, इसके बाद हम इन और आउट ऑफ के बारे में भी सीखेंगे। फ्रेंड्स इनसाइड का मतलब होता है अंदर, लेकिन इनसाइड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर यानी किसी बाउंड्री के अंदर, यानी एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री है, या फिर किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे सी इज इनसाइड द रूम, यानी वह रूम के अंदर है, लाजमी है कि वह रूम के अंदर होगी, तो वो एक स्ट्रक्चर के अंदर है, वो एक बाउंड्री के अंदर है, या वो चार दीवारी के अंदर है। द मोबाइल इज इनसाइड द पॉकेट, मोबाइल पॉकेट में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनसाइड का इस्तेमाल हुआ क्योंकि मोबाइल किसी चीज के अंदर है, वो किसी चीज से घिरा हुआ है और वो चीज है पॉकेट। तो फ्रेंड्स जब बात में की हो और वो चीज घिरा हुआ हो या बंद हो तो हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टूड इनसाइड द सर्कल, जो विद्यार्थी थे वह एक सर्कल के अंदर खड़े थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनसाइड का मतलब कि कोई एक गोलाकार वृत्त था या कोई एक सर्कल था और बच्चे यानी विद्यार्थी उस सर्कल के अंदर खड़े थे, यानी उस गोलाकार आकार के अंदर खड़े थे, इसीलिए यहाँ पर इनसाइड का इस्तेमाल किया गया। द बुक इज इनसाइड द ड्रॉअर, किताब दराज के अंदर है। तो लाजमी है फ्रेंड कि जब वो दराज के अंदर होगी तो वो चारों तरफ से घिरा होगा या वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि इनसाइड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी स्ट्रक्चर से घिरा हुआ हो, किसी आकृति या किसी बाउंड्री के अंदर हो। माई बॉस इज इन द ऑफिस, और हमारा दूसरा सेंटेंस है माई बॉस इज इनसाइड द ऑफिस। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कहूंगा कि यहाँ पर इनसाइड का क्या यूज है, आप इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इनसाइड के बारे में बताया कि इनसाइड मतलब चार दीवारी के अंदर या किसी ढांचे के अंदर। लेकिन अगर हम बात इनकी करें तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि इनका इस्तेमाल हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर के लिए करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल स्ट्रक्चर के बाहर के लिए भी करते हैं। यानी इनका इस्तेमाल आप इनसाइड के जैसे कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड का इस्तेमाल आप इनके जगह पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका मतलब किसी चार दीवारी के अंदर तो होता ही है, साथ में चार दीवारी के बाहर के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे माय फ्रेंड इज इन द विलेज, मेरा दोस्त गांव में है। माय टीचर इज इन मुंबई, मेरे टीचर मुंबई में हैं। और फ्रेंड्स मैं ये भी कह सकता हूँ माय टीचर इज इन द हाउस, मेरे टीचर घर में हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि इनका इस्तेमाल आप दोनों कंडीशन में कर लेते हैं, किसी चार दीवारी के अंदर के लिए भी और उस जगह के लिए भी जहाँ कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर या आकृति नहीं है। मैंने इनके टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ मैंने इनका सभी यूज बताया है। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप इनको लेकर कंफ्यूज हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। फ्रेंड्स अगर हम बात आउटसाइड की करें तो आउटसाइड का मतलब होता है किसी एक स्ट्रक्चर के सामने, किसी एक स्ट्रक्चर के बाहर, यानी किसी बिल्डिंग या किसी ढांचा के बाहर। माय बॉस इज आउट ऑफ द ऑफिस, फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मेरे बॉस ऑफिस पर नहीं है या ऑफिस के बाहर है। तो फ्रेंड्स यहाँ बाहर कहने का मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस के ठीक सामने है, यानी बल्कि यहाँ बाहर कहने का मतलब है कि वो उस जगह पे नहीं है बल्कि वो किसी और जगह पे है। हो सकता हो कि वो आउट ऑफ सिटी हो, या फिर ये हो सकता है कि वो आस पड़ोस में कहीं गए हों, या फिर ये हो सकता है कि वो अगल बगल कहीं गए हों, बट जो भी है वो ऑफिस के अगल बगल नहीं है, यानी वो ऑफिस के बाहर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ माय बॉस इज आउटसाइड द ऑफिस, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मेरे बॉस ऑफिस के बाहर हैं, यानी ऑफिस के ठीक सामने जो डोरवे होगा वहां पर होंगे, या ऑफिस का जो फ्रंट होगा वहां पर होंगे, बट जो भी हो मेरे जो बॉस है वो ऑफिस के बाहर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने ये दो वर्ड को समझा कि आउटसाइड का मतलब किसी स्ट्रक्चर के बाहर। मैंने बोला आउटसाइड द ऑफिस,
यानी ऑफिस जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर। अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ द ऑफिस तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑफिस पर नहीं है, यानी वो उस जगह पर नहीं है बल्कि कहीं और है। श्याम इज आउटसाइड योर हाउस। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि श्याम तुम्हारे घर के बाहर है, यानी श्याम किसी बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर के बाहर है। क्योंकि मैंने यहाँ बोला आउटसाइड, और आउटसाइड का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर या किसी आकृति, किसी बिल्डिंग, कोई भवन, कोई मंजिल के सामने या बाहर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने यह सीखा कि इनसाइड का मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर और आउटसाइड का मतलब किसी स्ट्रक्चर यानी किसी ढांचा के बाहर। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनसाइड का मतलब चार दीवारी के अंदर और आउटसाइड का मतलब उस चार दीवारी के बाहर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।